आज इस वीडियो में उन सभी बच्चों से केमिस्ट्री के विषय में कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और मन में यह अवश्य बनाएं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है यदि आप प्रयास करें। केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसकी कुछ कंसेप्ट कड़ी की तरह जुड़ी होती है। आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कंसेप्ट फिजिक्स रिलेटेड है जिनका बेसिक नॉलेज आना बहुत जरूरी है। साथ में कुछ मैथमेटिक्स की कंसेप्ट भी है। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चार यूनिटों को देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बेसिक मैथ अपना रोल प्ले करता है जो कि बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब हम बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करते हैं तो हमें अपनी पीरियोडिक टेबल याद आ जाती है। यदि पीरियोडिक टेबल की कंसेप्ट हमारी ठीक है तो कहीं ना कहीं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, या डी ब्लॉक हो, या एफ ब्लॉक हो, बड़े आसानी से उसे समझ सकते हैं। बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है तो तुरंत हमारे माइंड में एक नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी और साथ में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत ही बेसिकली यूनिट है जो क्लास 11th में है उसकी याद आ जाती है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आगे के टॉपिक को समझने के लिए उसकी कड़ी को अवश्य समझें तो 100% आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कड़ी अगली कड़ी का सॉल्यूशन कर देगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट को पढ़िए, दूसरा सब्जेक्ट की कंसेप्ट को समझिए, तीसरा ये मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल विशेष आता है तो आप उसमें सबसे पहले जो फाइंड आउट कंसेप्ट हैं, जो आपको पता है, उनको देखिए और फिर उसको क्या उसमें से ज्ञात करना है उसको पता कीजिए। आप इतना ही कॉपी में लिख देते हैं और आगे की कंसेप्ट आपकी किसी कारणवश समझ में नहीं आ रही है तो भी बोर्ड आपको नंबर देगा। तो आज की इस जीरो लेवल केमिस्ट्री की कंसेप्ट के मैं विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें केमिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए, उससे रिलेटेड कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जिससे केमिस्ट्री का हर यूनिट हमको आसान लगे। तो पहले आप किसी पढ़ रहे हैं ये कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है जिससे आगे की कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना। मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करो। सब्जेक्ट कोई भी हो, टफ नहीं होती, बस उसकी उस कंसेप्ट को समझना है कि पहले कौन सा यूनिट पढ़ें जिससे आगे का यूनिट हमारी समझ में रटने की अपेक्षा उसकी कंसेप्ट समझ में आए और जिससे हम उसकी अच्छी तैयारी कर सकें। केमिस्ट्री में ध्यान रखिए आपकी बुक में एग्जाम्पलर होते हैं, टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यदि आपने इनकी प्रैक्टिस की है तो इसका मतलब आपकी कंसेप्ट समझ में आ रही है। आप इनको छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप केमिस्ट्री के वीक पॉइंट में जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरी बात आपकी समझ में आ गई होंगी। आप इसी लेवल पर केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए और जैसे जैसे हमें समय मिला करेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक आपको इस चैनल पर अवश्य देंगे और आप इसको अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।